I'm your host and host Vaishali and you are watching your favorite entertainment channel India News Entertainment जिसमें आज हम बात करेंगे blockbuster film दंगल के बारे में। दंगल ने अपनी release के 5 साल पूरे कर लिए हैं। ये इकलौती ऐसी film है जिसने दुनिया भर में 2100 करोड़ रुपए की कमाई की थी और ये sports की सबसे बेहतरीन films में से एक है। इस film में आमिर खान, फातिमा सना शेख, साक्षी तंवर और काफी सारे सितारों ने लीड भूमिका निभाई थी, जिसके बाद आज इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट आपको बताने जा रहा है कि इस फिल्म के 5 साल पूरे होने के बाद आखिर इसकी स्टार कास्ट इस वक्त क्या कर रही है या फिर क्या नहीं कर रही। आमिर खान, दंगल फिल्म में आमिर खान महावीर फोगाट की भूमिका में दिखाई दिए थे। फिलहाल आमिर अपनी आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। ये फिल्म 14 अप्रैल 2022 को बैसाखी के मौके पर रिलीज होगी। इसके अलावा आमिर हाल ही में अपनी दूसरी पत्नी किरण राव से भी अलग हुए हैं और सोशल मीडिया पर इन दिनों उनकी तीसरी शादी को लेकर भी खूब चर्चा है। साक्षी तंवर, इस फिल्म में साक्षी तंवर ने आमिर की पत्नी का किरदार निभाया था। साक्षी के पास इन दिनों कई फिल्में हैं जिनमें से एक पृथ्वीराज भी है। पृथ्वीराज एक ऐतिहासिक महाकाव्य एक्शन ड्रामा फिल्म है जो चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा निर्देशित और यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित है। फातिमा सना शेख ने दंगल फिल्म में आमिर खान की बेटी का किरदार निभाया था। दोनों एक साथ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी नजर आए थे। सोशल मीडिया पर इन दिनों आमिर और फातिमा की तीसरी शादी की खबरें वायरल है। फातिमा जल्द ही विक्की कौशल के साथ सैम बहादुर में भी नजर आएंगी। जायरा वसीम, जायरा वसीम ने 2 साल पहले एक्टिंग को अलविदा कह दिया था। उन्होंने इस फिल्म में गीता फोगाट के बचपन का किरदार निभाया था। जायरा ने इस्लाम के लिए सिनेमा को छोड़ने के बाद अपनी सभी फोटोज सोशल मीडिया से डिलीट कर दी थी। सानिया मल्होत्रा इस फिल्म में यंग बबीता के किरदार में नजर आई थी। तो आपने देखा कि इस वक्त दंगल के ये सभी सितारे आखिर अपनी जिंदगी में कहां मशगूल है। कोई अपनी एक्टिंग के करियर में नए मुकाम हासिल कर रहा है तो किसी ने एक्टिंग को ही अलविदा कह दिया। खैर, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।